हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइस, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स इंडिकेटर के बारे में कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से आप इस इंडिकेटर के थ्रू मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, ये जो इंडिकेटर है, हम यहाँ पर उनकी कुछ बेसिक सी थियरी को हम समझ लेते हैं। ये जो इंडिकेटर है वो हमें मार्केट में कब ओवरबॉट हो गया है और कब किसी भी शेयर ओवरसोल्ड हो गया है, इनके सिग्नल के थ्रू हमें बाय और सेल का सिग्नल ये प्रोवाइड करता है। गैस, ये जो इंडिकेटर है इनको तुषार चांदेसर, जो हमारे इंडिया के थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो ये कुछ इनकी बेसिक सी थियरी है और ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये इंडिकेटर किस तरह से काम करते हैं। गाइस, हम यहां पर आ गए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के चार्ट के ऊपर और इनको लगाने की प्रोसेस और इनका सेटिंग कुछ हम यहां पर समझ लेते हैं। तो इनको लगाने के लिए सिंपली आपको स्टडीज़ में चले जाने का है। जैसे आप स्टडीज़ में जाओगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू गिरेगा और वहां पर आप सिंपली टाइप कर दोगे इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स, तो आपको ये इंडिकेटर दिख जाएगा और इसके ऊपर आप क्लिक करते ही आपके चार्ट के ऊपर ये लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर सेटिंग्स देख पा रहे हैं कि पीरियड में हमें 20 दिया गया है, वो 20 ही रखने का है। रिजल्ट में हमें ये जो ब्लैक लाइन है इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। ओवरबॉट जो 70 का दिया गया है यानी कि 70, तो यही रखने का है। ओवरसोल्ड में हमें 30 दिया गया है यानी कि 30, तो हमें यही रखने का है। हम इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। जो ओवरबॉट है इनका हमने रेड कलर कर दिया है और ओवरसोल्ड का है इनको हमने ग्रीन कलर कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो गाइज, आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो हमने यहाँ पर हमारा इंडिकेटर लगा लिया है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे ये 30 के नीचे जाता है तो हमें ओवर सोल्ड जोन दिखाई पड़ता है, यानी कि जितने लोग बेचना था उन्होंने बेच दिया है, अब यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो हम अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के चार्ट के ऊपर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये 30 के नीचे गया है 30 के नीचे, तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग आनी शुरू हो गई है और इसके बाद शेयर ने ऊपर जाने की जर्नी स्टार्ट कर दिया। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर उन्होंने सिग्नल दिया था कि जिन्होंने खरीदना था उन लोगों ने खरीद लिया है, अब यहाँ से सेलिंग आ सकती है, सेलिंग का प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये जैसे ही 70 के ऊपर गया और हमें यहाँ पर हमें बेचने का सिग्नल मिला, तो गैस आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अगर आप बाई करते तो ये प्राइस हमें मिल रहा है 5250 के आसपास, यानी कि 5250। और ये जो प्राइस हमें दिखाई पड़ रहा है वो है 66 के आसपास। तो ये आप यहाँ से यहाँ का आप ट्रेड ले सकते थे। तो गाइस, इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम एक और चार्ट को देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो गाइस, हमने यहाँ पर ले लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का चार्ट और इसके ऊपर हम देख पा रहे हो कि यहाँ पर उन्होंने बेचने का सिग्नल दे दिया था, यानी कि यहाँ पर जितने लोगों ने बाय करना था उन्होंने कर लिया है। इसके बाद आप इस प्राइस को देखोगे तो 2750 थे, इसके बाद यहाँ से हमको सिग्नल मिला बेचने का, तो आप देख पा रहे हो कि इसके बाद अच्छे खासे शेयर में गिरावट आई। और इसके बाद देखोगे तो यहाँ पर ये 30 के नीचे चला गया, तो यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन हो चुका था, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बाय करने का सिग्नल दिया। तो आप इस तरह से इस इंडिकेटर के थ्रू बाय सेल कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फैन आओ।